अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरे शूज किधर पड़े हैं? शूज अभी गाड़ी बाहर निकालो जरा। गाड़ी हमारी खुली नहीं रही थी, तो अभी बाजार से न्यू सेल लेके आया, तो अभी खोलते हैं। फैसला जाना गया किसी काम से, तो चलते हैं। इधर क्या हुआ है? पता समझ नहीं आई। पहुंच गए हैं फैसलाबाद। गए थे हम आए फैसलाबाद अपना मकान देखने के लिए। तो यहाँ पे एक मकान है हमारा, वो किराए पे दिया हुआ था, तो तकरीबन 5 साल बाद जो किराएदार मकान छोड़ के गए, तो अभी मकान की सूरत हाल देखने के, तो मकान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा खस्ता हुई पड़ी है। तो अभी ये मैं ऊपर वाले रूम में आया हूँ, तो नीचे अभी आपको विजिट करवाता हूँ थोड़ा बहुत। वैसे आप अंदाज़ा लगा लें ये दरवाज़ा देख के, ये ऊपर वाला दरवाज़ा है, तो उसकी ये हालत है। अब जो नीचे हालात है बहुत ज़्यादा खराब हालात है। ये वैसे डबल स्टोरी मकान है, ये एक कमरा, ये सामने ये वाशरूम, तो ये चेक करें दरवाजे का हाल ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया ये दरवाज़ा। और एक रूम ये है, और खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। तो इस तरह ना मकान थोड़ा हमारा खस्ता हाल हुआ पड़ा। तो ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये है जी बैठक। तो ये अब ये देख लेते हैं, डोर, वॉशरूम का डोर यहाँ से टूटा हुआ, वॉशरूम ये डोर भी खराब, रंग भी करवाने वाला है सारा। और ये है जी बेडरूम एक, और इसकी भी सारा जो कलर है वो खराब है, ये भी खराब। ये है जी किचन, सारे बॉक्सेस तोड़े हुए हैं, नीचे भी बॉक्सेस तोड़े हुए हैं। इस तरह की हालत है सारे मकान की। इन किराएदारों ने तकरीबन 5 साल बाद मकान छोड़ा है, तो छोड़ा नहीं है, हमने कहा था भाई मकान खाली कर दो, तो हमें थोड़ा सा किराया जो है इंक्रीज करना था, जिसकी वजह से हमने मकान खाली करवाया। तो अभी मकान की सूरत हाल देखिए, तो ये सूरत हाल है। और एक आपको मजे की बात और बताता हूँ, इन्होंने 3 महीने से ना बिजली का बिल नहीं जमा करवाया था, तो वो बन गया था काफ़ी ज़्यादा बिल। तो हमने फिर जमा तो करवा दिया लास्ट मंथ जो है 28 तारीख को, तो बिल तो जमा करवा दिया था लास्ट डेट को, लेकिन बाहर आए हैं तो हमारा जो बिजली वाला मीटर है वो काट के ले गए। बिजली वाला मीटर जो है वो नहीं है, इस मकान का भी नहीं है, इसका भी नहीं है, काट के ले गए। बिजली के बोर्ड्स वगैरह चेक कर लेंगे मरतबा सारे, ये तो ठीक लग रहा है देखने में, बाकी मुझे नहीं पता। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसकी फिटिंग नहीं ठीक, बाकी ठीक है। यहाँ से दीवार खराब है बस, ये टूटा हुआ है, ये चेंज होगा। ये भी ठीक है लेकिन खस्ता है, तो चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो ठीक है, वायर्स वगैरह बाहर निकली हैं, पता नहीं कौन से सर्किट निकाले हुए हैं, तो ये तो ठीक करना पड़ेगा। शीशा टूटा हुआ है खिड़की का, टाइल्स डैमेज है, ये चीज़ तो यहाँ पे पड़ी हुई है इसकी, यहाँ से भी वायर निकाली है, पता नहीं किस काम के लिए। और ये ऐसे तो इसे अंदर अंदर लग सकता है वैसे, ये इस तरह। ओवरऑल मकान की जो हालत है वो खस्ता है, बाहर से भी और अंदर से भी, ऊपर वाली भी ठीक है, नीचे वाली ज़्यादा ना खस्ता है। ये वाला भी ठीक है देखने में, ये वाला भी तकरीबन ठीक है देखने में, ये वाला भी देखने में ठीक है, वैसे ख़राब लग रहा है ये वाला टूटा हुआ। गए अभी चलते हैं वापस, अभी सिर्फ देखने आए थे मकान की सूरत हाल, तो वो देख लिए, तो अभी जाके घर जाके फैसला करते हैं क्या करना है इस मकान का। Thank you.
यार सुबह से ना चूजों को मैंने दाना भी नहीं डाला, पानी भी डाला, बेचारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अभी फैसलाबाद से आया हूँ, याद ही नहीं रहा सुबह डालने का। अभी बेचारे किस तरह देख रहे हैं, तभी इन्हें पानी वगैरह डाल देता हूँ। शुक्र है पानी थोड़ा सा है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। लेकिन अभी डाल देते हैं सारा कुछ। चले जी, इन्हें पानी वगैरह भी डाल दिया और दाने भी डाल दिए और इन्हें सारे अभी बिखेर भी दिए हैं। तो इस तरह करते हैं, तभी सारा कुछ डाल दिया, माशाल्लाह अभी खा पी लेंगे। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दाने बिखरे पड़े, जब मर्जी खाएं। गए तो अभी टाइम हो गया तकरीबन 7:40 हो गए, तो अभी मैं बैठ के अपना ब्लॉग्स वगैरह एडिट कर रहा था। तो मकान का जो हमारा डिसीजन बना है, जो हम देख के आए हैं, तो डिसीजन यही बना है कि उस मकान के जो सारे काम है वो करवाए जाएंगे। लेकिन मेरा ये मशवरा था कि मैं चाह रहा था कि वो मकान सेल कर दिया जाए, तो कौन जाए फैसलाबाद वहाँ पे जाके उसकी मेंटेनेंस करवाए। तो इसलिए मेरा तो ये सोचना था, लेकिन घर वाले कह रहे नहीं वो मकान रखना है और उसकी मेंटेनेंस करवानी है। चले जो भी फैसला होगा दोस्त है। लेकिन जो सामने वाले घर वाले थे वो बता रहे थे कि ये जो मीटर है, ये हमने 28 को बिल जमा करवाया था रात के वक्त, लेकिन मीटर जो वो उतार के गए 27 को उतार के चले गए थे। तो मेरे ख्याल दोनों साथ वाले दोनों को लगा उन्होंने मीटर उतार लिया था। अभी वो भी एक प्रॉब्लम है, तो वो भी हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, वो भी प्रॉब्लम हम हल करेंगे। तो बाकी फैसला यही हुआ है कि मकान की जो है मेंटेनेंस करवाई जाएगी, जो भी मोटी मोटी मेंटेनेंस हुई। तो सारा मकान तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मोटी मोटी मेंटेनेंस करवा के तो दोबारा कराए पे जो वो मकान दे देंगे।